नमस्कार दोस्तों, आपका विद क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैथ के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यह दिया हुआ है दोस्तों, यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एक अर्धवृत्त दिया हुआ है, ठीक है, उसका परिमाप दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो परिमाप क्या होता है दोस्तों? अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा दोस्तों कितना होता है? दोस्तों पूरे वृत्त का परिमाप होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? πr। ठीक है दोस्तों, मगर यहाँ पे एक चीज़ देखें तो दोस्तों ये भी तो एक सरफेस बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी दोस्तों वो कितनी होगी? 2r। ठीक है दोस्तों, वो व्यास ही तो होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2r। ये पूरा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप। और अर्धवृत्त का परिमाप टोटल दिया कितना है दोस्तों? 36 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या करते हैं, आर कॉमन ले सकते हैं, तो आर कॉमन ले रहे होंगे तो कितना आ रहा था? पाई, पाई का मान 22/7 रख रहे होंगे प्लस 2। ठीक है दोस्तों, बराबर 36। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आर कितना आ रहा होगा? 7 × 2 = 14। ठीक है दोस्तों, 14 और 22 को जोड़ रहे होंगे, कितना आ रहा होगा? 36। और 36/7 बराबर 36। ठीक है दोस्तों, ये 36 से 36 कट जाता और आर बराबर कितना आ जाता? 7। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या कितनी आ जाती? 7। और हमसे पूछा क्या है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल होता क्या है अर्धवृत्त का दोस्तों? 1/2 πr² ये तो होता है। 1/2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 यूज़ करेंगे और आर के जगह पे 7 × 7 करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 7 से 7 कट रहा होगा, 2 से कट रहा होगा 11, और 11 × 7 = 77। ठीक है दोस्तों, 77 cm² आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 cm² आपको ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो लंब वृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात जो दिया है 1:2 है। ठीक है दोस्तों, तो ऊंचाई का अनुपात कितना है? 1:2 है। और इनके आधार कि परिमिति का अनुपात दिया है दोस्तों। परिमिति का मतलब होता है कि दोस्तों उसकी परिधि का अनुपात दिया है। ठीक है, कितना दिया है? 3:4 है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ये पूछा है। तो दो शंकु हैं, ठीक है दोस्तों, दो शंकु आपको दिए गए। ठीक है दोस्तों, अलग अलग नाप के दो शंकु दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं पहले की ऊंचाई h1 है और दूसरे की ऊंचाई कितनी? h2 है। ठीक है, h1 बराबर कितना है आपका दोस्तों? 1। और h2 बराबर कितना है? 2। ठीक है, और इनके आधार की परिमित मतलब दोस्तों ये आधार ही बनेगा इसका, और ये आधार जो बन रहा होगा दोस्तों ये क्या होता है? एक सर्किल के आकार का होता है। सर्किल के आकार का होने का मतलब है दोस्तों ये परिधि बना रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और परिधि बराबर होता है दोस्तों 2πr। ठीक है दोस्तों, तो इसकी रेडियस में कह लेता कि r1 है पहले वाले सर्किल की, और दूसरे वाले मतलब सॉरी दोस्तों पहले वाले शंकु की, और दूसरे वाले शंकु की में कह लेता रेडियस क्या है? r2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता? परिमित दिया है। ठीक है दोस्तों, परिमित का परिमाप सॉरी दोस्तों रेशियो दिया हुआ है, तो क्या होता है? 2πr1/2πr2 बराबर 3/4। ये आता, ये 2π से 2π कट जाता, क्या आ रहा होता कि r1/r2 कितना आ रहा है? 3/4। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब r1 कितना है? 3 है, और r2 कितना है? 4 है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आयतनों का अनुपात पूछा है दोस्तों, तो मान लेते हैं पहले वाले का आयतन v1 है और सेकंड वाले का क्या है? v2 है। तो v1/v2 कितना होता है दोस्तों? 1/3πr1²h, यही तो होता, 1/3πr²h होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है h1, ठीक है 1/3πr2²h2। ठीक है दोस्तों, 1/3π से कट गया। ठीक है दोस्तों, r1 की वैल्यू कितनी है आपकी? r1 की वैल्यू आपकी 3 है और r2 की वैल्यू 4 है, तो 3 का स्क्वायर और नीचे क्या होता है? 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई जो दी है 1 और 2 में दी है। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 2। ठीक है दोस्तों, 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 9, और 4 × 4 = 16, 2 × 9 = 32। ठीक है, तो जो रेशियो बन के आया 9 रेशियो कितना आया दोस्तों? 32।
9:32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु तथा एक गोले की त्रिज्या बराबर त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, त्रिज्या क्या बराबर है और बराबर आयतन है, गोले का व्यास और ऊंचाई का रेशियो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एक हमें शंकु दिया है, ठीक है दोस्तों, और एक गोला दिया है, उसकी बता रहा है कि रेडियस बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने रेडियस को कह लिया कि आर है दोनों की। ठीक है दोस्तों, और उसका आयतन भी बराबर है, तो इसका आयतन वी है, तो इसका भी आयतन क्या है, वी है, तो उसके व्यास और ऊंचाई का जो रेशियो है बताना है। तो क्या करना है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई में मान लेता कि एच शंकु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 πr³। ठीक है, और कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² h, ये तो होगा दोस्तों। अब ये देखिए, 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2r है और 2r से कटा तो 1r बचा। ठीक है दोस्तों, तो h इसके नीचे ला रहे होंगे, तो क्या हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा कि r/h हो रहा होगा और 1/4। ठीक है दोस्तों, और यह होता है दोस्तों कि 2r r+r यानी 2r क्या होता है दोस्तों, यही तो व्यास कहते हैं ना, यही इसी को तो व्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो r में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो 2r/h, तो 2 से मैंने r में गुणा किया तो 2 से ऊपर भी होगा 2/4, सॉल्व कर रहे होंगे तो 1/2, तो रेशियो कितना बन गया 1:2, व्यास और ऊंचाई का जो रेशियो बना 1:2, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √2 किस घात का बहुपद है, तो √2 जो है दोस्तों किस घात का बहुपद है, तो वह है 0 घात का बहुपद है। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी अचर की घात पूछी जाए दोस्तों, तो वह 0 घात का बहुपद होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर हम 0 लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है दोस्तों, और बहुपद की सबसे बड़ी घात वही बहुपद की घात कहलाती है। तो जैसे √2 लिखा है इनटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो चर है, चर की सबसे बड़ी घात क्या, 0, तो कितने घात का बहुपद हुआ, 0 घात का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि यदि अल्फा बीटा समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हों, तो 1/α² + 1/β² की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूल आपके दिए अल्फा और बीटा हैं। ठीक है दोस्तों, तो मूलों का योगफल क्या होता है, α + β = क्या होता है, x का गुणांक - x का गुणांक / x² का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है b/x² का गुणांक क्या a। ठीक है दोस्तों, और α×β क्या होता है कि अचर पद आपका है क्या c/x² का गुणांक x² का गुणांक है क्या a। ठीक है दोस्तों, और पूछा है हमसे इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो 1/α² + 1/β² की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो α² + β² / α×β² यही आएगा, क्लियर। अब इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें दो ही फॉर्मेट में वैल्यू पता होती हैं, या तो प्लस के रूप में या तो इनटू के रूप में, प्लस या इनटू के रूप में दो ही फॉर्मेट में हमें वैल्यू पता होती है, तो हमें स्क्वायर के रूप में तो पता ना होती है, तो इसलिए हम स्क्वायर वाले को हम क्या करेंगे, प्लस और इनटू में बनाएंगे। ठीक है, तो क्या लिख रहे होंगे कि α+β² - 2α×β / α×β². ठीक है, यहाँ से α+β की वैल्यू आपकी है -b/a। ठीक है, तो -b/a² - 2α×β की वैल्यू क्या है, c/a, पूरे का डिवाइड है, कितना है α×β की वैल्यू, कितना है c/a,
मतलब सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, यही होगा दोस्तों। अब इसके बाद कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा माइनस का, सॉरी ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे होंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का टू सी अपॉन ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर रहे होते दोस्तों, तो अपन चलिए लिख लेते हैं एक लाइन और, ठीक है। फिर उसके बाद आ क्या रहा होता, यहाँ से आएगा, यहाँ से देखिए कॉमन क्या है ए स्क्वायर, सॉरी दोस्तों एलसीएम कॉमन है क्या आपका ए स्क्वायर है, तो क्या आता बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाता तो आपका बचता क्या बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आता आंसर आपका बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन सी स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर मिल जाता ए वाला, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका ए वाला हो जाता, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए हो तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए कॉस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो ठीक है दोस्तों, हमसे ये पूछा है, तो आपका दिया क्या है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देखिए, ऊपर से हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने साइन थीटा बाहर निकाला, ठीक है, साइन थीटा बाहर निकाला तो बचा क्या आपका ए माइनस बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को कहते क्या कॉट थीटा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉट थीटा ही लिख देते कॉट थीटा, क्लियर। बट यहाँ पे भी नीचे भी साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा ले रहे होते तो ए प्लस बी, यहाँ भी हम कॉट थीटा लिख सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनता, और यह आपका साइन से साइन कट गया होता तो आप बना क्या रहे होते ए माइनस बी, और कॉट थीटा की वैल्यू दिए बी बाई ए, देख लीजिए कॉट थीटा की वैल्यू दिए बी बाई ए, ठीक है, और अपॉन ए प्लस बी इंटू बी बाई ए, ठीक है। इसको और सॉल्व कर रहे होते तो क्या आ रहा होता कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए पूरे का डिवाइड कितना आ रहा होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये तो बनता क्योंकि बी बी आपका बी स्क्वायर हो जाता और ए से इसमें मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है, एलसीएम हो जाता, ठीक है। तो क्या हो जाता ए स्क्वायर ए से ए कटा तो आपका बचा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप तो आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाता बी वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू फाइव हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करना है कि हमसे यह पूछा है, ठीक है, तो क्या करना है दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, ठीक है, जो आपका दिया है इसके दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, तो क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर पच्चीस का वर्क क्या होगा पाँच का वर्क क्या होगा पच्चीस। टेन और कॉट में रेसिप्रोकल का संबंध होता है, ठीक है दोस्तों, व्युत्क्रम का, तो टेन और कॉट कट जाएंगे, ठीक है, तो आपका बचा क्या आपका टू, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, दो को आप उधर भेज रहे होंगे तो माइनस में हो जाएगा, पच्चीस में से दो निकल रहा होगा तेईस, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी तेईस, आपका राइट आंसर ए वाला होगा, ठीक है दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।